Hello, good afternoon. Today we are going to discuss about optimal filing search tree. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is the meaning of binary, what is the meaning of binary search tree. ठीक है, सिंपल टर्म में अगर हमें binary search tree का पता है तभी हम optimal binary search tree को बना सकते हैं. ठीक है, तो what is the meaning of binary search tree. ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक ट्री है, वैल्यूज है 5, 7, 3, 2, 1. ठीक है, तो मुझे इसका एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है. मुझे इसका क्या बनाना है, 5, 7, 3, 2, 1 का एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है. तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आपके पास रूट में वैल्यू होती है, जो भी आपकी रूट की वैल्यू होती है उसके लेफ्ट साइड को रूट से स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है. ठीक है, और राइट में रूट से ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की क्या प्रॉपर्टी है कि रूट से लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगी वो रूट से स्मॉल होगी और रूट से जो राइट साइड को वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट से बड़ी होगी या रूट के इक्वल भी हो सकती है. ठीक है, तो इससे हम एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं जो हमारे पास गिवन एलिमेंट है. ठीक है, तो जैसे मेरे पास रूट में वैल्यू आ गई 5. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7. 7 को 5 से कंपेयर करा. ठीक है, 7 5 से ग्रेटर है तो वो किस साइड आएगी, राइट साइड को. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 3. अब 3 को 5 से कंपेयर करा, 5 से स्मॉल है तो किस साइड को आएगी, लेफ्ट वाली साइड को. ठीक है, तो 3. अब नेक्स्ट वैल्यू है 2. 2 सबसे पहले किससे कंपेयर होगी, रूट से. जो भी बाइनरी सर्च ट्री में आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है वो सबसे पहले किससे कंपेयर होगी, रूट वैल्यू से. अगर वो रूट से स्मॉलेस्ट है तो लेफ्ट साइड को जाएगी, अगर वो रूट से ग्रेटर है तो राइट साइड को जाएगी. ठीक है, और अगर इक्वल भी है तो भी आप उसको राइट साइड पे इंसर्ट करोगे. ठीक है, जैसे नेक्स्ट वैल्यू आती है 2, तो 2 5 से कंपेयर हुई, 5 से स्मॉलेस्ट है तो नेक्स्ट लेवल पे आई, इसकी वैल्यू कितनी है 3. अब 3 से कंपेयर करेंगे 2 को, 2 को 3 से कंपेयर करेंगे, 3 से स्मॉलेस्ट है तो 3 के लेफ्ट साइड में आएगी 2. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 1, तो 1 अगेन 5 से कंपेयर करा, 5 से कंपेयर करा, 5 से स्मॉल है तो नेक्स्ट लेवल पे आएगी 3. 3 से कंपेयर हुई 1 वैल्यू, तो 1 इज लेस देन 3 तो नेक्स्ट लेवल पे आई 1. यहां पे 2 से कंपेयर हुआ, 2 से स्मॉलेस्ट है तो इस साइड को जाएगा. ठीक है, सपोज करो मैं नेक्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ 8, 6 एंड सपोज करो 0. ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 8. 8 5 से कंपेयर हुई. ठीक है, 5 से ग्रेटर है तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, 7 से कंपेयर हुई, 7 से ग्रेटर है तो 7 के राइट साइड में जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 6. 6 5 से कंपेयर हुआ, जो भी रूट, जो भी आप बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यू इंसर्ट करोगे वो सबसे पहले कहां से कंपेयर होगी, रूट से कंपेयर होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू इज 6. 6 5 से कंपेयर हुआ, स्मॉल है सॉरी ग्रेटर है, नेक्स्ट लेवल पे आया 7 से कंपेयर हुई लेकिन 7 से स्मॉल है तो 7 के लेफ्ट साइड में जाएगी, तो वैल्यू आ गई 6. ठीक है, नेक्स्ट लेवल इज 0. नेक्स्ट वैल्यू इज 0. 0 5 से कंपेयर हुई, स्मॉल है, फिर 3 से कंपेयर हुई, स्मॉल है, फिर 2 से कंपेयर हुई, स्मॉल है, फिर 1 से कंपेयर हुई, स्मॉल है, तो इसके नेक्स्ट लेवल पे आएगी. ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक और वैल्यू है 15. ठीक है, और मेरे पास 9 एंड मेरे पास है 4. ठीक है, एंड 15 वैल्यू कहाँ जाएगी, 15 5 से कंपेयर हुई. ठीक है, 5 से ग्रेटर है, 7 से कंपेयर हुई, 7 से ग्रेटर है तो राइट साइड को जाएगी, 8 से कंपेयर हुई तो राइट साइड को जाएगी. नेक्स्ट इज 9. 5 से कंपेयर हुई, फिर 7 से कंपेयर हुई, फिर 8 से कंपेयर हुई, 8 से भी ग्रेटर है, फिर 15 से कंपेयर हुई, 15 से स्मॉल है तो 15 के लेफ्ट साइड में आएगी. ठीक है, नेक्स्ट इज 4. 5 से कंपेयर हुई, 5 से स्मॉल है तो इस साइड आएगी लेकिन 3 से ग्रेटर है तो 3 के राइट साइड में आएगी. ठीक है, तो ये तो हुआ कि बाइनरी सर्च ट्री को बनाना कैसे है, कि उसके रूल्स क्या है. रूल्स क्या है कि कोई भी वैल्यू पहले रूट से कंपेयर होती है, अगर वो रूट से स्मॉलेस्ट है तो लेफ्ट साइड को जाएगी, अगर रूट से ग्रेटर है तो
राइट साइड को जाएगी। हाँ अगर इक्वल है फिर भी आप उसको राइट साइड में प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करो मेरे पास एलिमेंट है 5, 6, 8 एंड 20, ठीक है, और उनकी एक्सेसिंग कॉस्ट है, एक्सेस हो रहा है ये 4 टाइम एक्सेस हो रहा है, ये 2 टाइम एक्सेस हो रहा है, ये 6 टाइम एक्सेस हो रहा है, और ये सपोज करो 3 टाइम एक्सेस हो रहा है, ठीक है। बट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, जो आपने वाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करनी है, 5 इंसर्ट करना है, 6 इंसर्ट करना है, 8 इंसर्ट करना है, 20 इंसर्ट करना है, ठीक है, और ये उसके एक्सेस है, असेस है, ठीक है, कि मैं वाइनरी सर्च ट्री को 5 टाइम एक्सेस कर रहा हूँ, 6 को मैं 2 टाइम एक्सेस कर रहा हूँ, 8 को मैं 6 टाइम एक्सेस कर रहा हूँ, 20 को मैं 3 टाइम एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स एक्सेस करने का मीनिंग है कि मैं 5 को 4 टाइम यूज कर रहा हूँ, 6 को मैं 2 टाइम यूज कर रहा हूँ, 8 को मैं 6 टाइम यूज कर रहा हूँ, और 20 को मैं 3 टाइम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके प्रोबेबल बाइनरी सर्च ट्री क्या हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट पहले आया कौन सा बाद में आया, लेकिन इसके प्रोबेबल जो बाइनरी सर्च ट्री है वो क्या बन सकती है, सपोज करो आपके पास 6 सबसे पहले आ रहा है, सपोज करो 6 सबसे पहले आया, ठीक है, उसके बाद आपके पास आया 5, उसके बाद आपके पास आई 8 वैल्यू, ठीक है, उसके बाद आपके पास आई 20 वैल्यू, ठीक है। सपोज करो कि इन पर्टिकुलर वैल्यूज के ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 5, 6, 8 एंड 20, इनका आपने एक बाइनरी सर्च ट्री बना दिया, ये तो इस पूरे बाइनरी ट्री की एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी होगी, कैसे निकालोगे आप, तो कॉस्ट टोटल एक्सेसिंग कॉस्ट ऑफ दिस बाइनरी ट्री, अब देखो 6 कितने टाइम एक्सेस हो रहा है, 6 2 टाइम एक्सेस हो रहा है और 6 रूट पे है, तो इसकी टोटल एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 into 1, क्यों 2 into 1, क्योंकि जैसे ये रूट पे वैल्यू, जो भी रूट पे वैल्यू होगी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्सेस हो जाएगी, जैसे मैंने 6 को एक्सेस करना है तो जैसे मैं रूट पे आऊंगा मुझे 6 वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी हुई 1, लेकिन वो 6 कितने टाइम एक्सेस हो रहा है, 2 टाइम एक्सेस हो रहा है, इट मीन्स 2 into 1, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोज करो आप 5 को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन 5 किस लेवल पे है, फर्स्ट कंपेरिजन 6 के लिए करना पड़ेगा, फिर दूसरा कंपेरिजन इस लेवल के लिए करना पड़ेगा, तो टोटल कंपेरिजन कितने हो गए 2, लेकिन 5 कितने टाइम एक्सेस हो रहा है 4 टाइम, तो कितना हो गया 4 into 2, प्लस मान लो 8 को एक्सेस करना है, 8 को एक्सेस करना है, लेकिन टोटल 6 टाइम एक्सेस हो रहा है, और इसके लिए एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1, 2, तो टोटल कितनी हो गई 6 into 2, प्लस अब ये थर्ड लेवल पे है, ठीक है, 1 comparison, 2nd comparison, 3rd comparison, तो टोटल कंपेरिजन कितने हो गए 3, कितने टाइम एक्सेस हो रहे 3 टाइम, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3 into 3, तो इसकी टोटल एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी होगी 2 + 8 + 12 + 9, ओके, तो टोटल कितनी होगी इसकी 31, कि मैं अगर इन एलिमेंट्स को 5, 6, 8 और 20 को अगर बाइनरी सर्च ट्री में इस तरह से अरेंज कर रहा हूं तो मेरे को एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी मिल रही है 30, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को मान लो मैं एक तो बाइनरी सर्च ट्री बना दिया इस तरह से, सेकंड अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि यहां मेरी वैल्यू आ रही है 8, यहां मेरी वैल्यू आ रही है 6, यहां मेरी वैल्यू आ रही है 5, यहां मेरी वैल्यू आ रही है 20, ये भी बन सकता है, मुझे नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट पहले आया है, 5 पहले आया है या 6 पहले आया है, 8 पहले आया है, 20 पहले आया है, लेकिन मुझे इन एलिमेंट्स को मिला के एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है कि मुझे एक्सेसिंग कॉस्ट क्या मिले, सबसे कम मिले, तो मैं उस बाइनरी सर्च ट्री को क्या बोलूंगा, वो मेरा ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री है जिसकी एक्सेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट इज लेस, ठीक है। तब इसकी एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी होगी, देखो इसकी एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी होगी, मान लो मैंने 8 को एक्सेस करना है तो 8 को एक्सेस करने के लिए कितने कंपेरिजन करने पड़ेंगे 1, तो कितने टाइम एक्सेस हो रहा है वो 6, तो हो जाएगा 6 into 1, प्लस अब मुझे 6 को एक्सेस करना है तो 6 को एक्सेस करने के लिए मुझे कितने कंपेरिजन करने पड़ेंगे 1 और 2,
लेकिन सिक्स कितने टाइम एक्सेस हो रहा है, टू टाइम, तो कितना हो गया इसका, टू इंटू टू प्लस, अब मुझे 20 को एक्सेस करने हैं, 20 कितने टाइम एक्सेस हो रहा है, थ्री टाइम, और उसको टोटल टेंशन कितने करने पड़ेंगे, टू, तो टू इंटू थ्री प्लस प्लस नेक्स्ट इज फाइव, मुझे फाइव को एक्सेस करने है, फाइव फोर टाइम एक्सेस हो रहा है, लेकिन फाइव को एक्सेस करने के लिए मुझे कितने कंपेरिजन करनी है, वन टू थ्री, तो कितना हो गया इसका, फोर इंटू थ्री, तो टोटल एक्सेसिंग कॉस्ट कितनी होगी, सिक्स प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है, इट मीन्स द टोटल एक्सेसिंग कॉस्ट इज सिक्स प्लस फोर टेन, सिक्सटीन और ट्वेल्व ट्वेंटी एट, मीन्स इस तरह से मैंने इन एलिमेंट से इस तरह का बाइनरी सर्च ट्री बनाया, ऐसे बाइनरी सर्च ट्री बनाया जहां पे सिक्स रूट पे आ रहा है, ठीक है, एट ट्वेंटी और फाइव इस तरह से आ रहे हैं, दूसरा मैंने बनाया कि एट रूट पे आ रहा है, फिर सिक्स, फिर फाइव, फिर ट्वेंटी, तो इसकी एक्सेसिंग कॉस्ट आ रही है 28, ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसका मुझे नहीं पता कि ये सारे क्या होंगे, इसके ये सारे इसके फिजिबल सोल्यूशन हो गए, कि मुझे अगर इन एलिमेंट से बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो मैं ये मेरे पास फिजिबल सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, अदर केस के हो सकते हैं कि मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, फाइव ये भी हो सकता है एक प्रोबेबल बाइनरी सर्च ट्री, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, यह मेरे पास क्या हो सकता है, यह मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, ट्वेंटी फिर एट फिर सिक्स फिर फाइव, ठीक है, बट आई डोंट नो कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, या मेरा ये ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री है, कि ये ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री है, या ये ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री है, तो व्हाट स्टेप वी फॉलो टू मेक ए बाइनरी सर्च ट्री, वी कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओके, थैंक यू.